Welcome to your channel Wealth and More. Subscribe to get access to quality content about stock markets, stock levels and more. ये वीडियो में हम बात करते हैं टीवीएस मोटर ये कंपनी के बारे में। कल उसमें अच्छा जंप हुआ था, ये कंपनी का जो शेयर है अराउंड 7% से भी ज़्यादा भाग गया था, लेकिन जितना कल वो अप गया था वहाँ से डबल ए स्टॉक अभी नीचे आ गया। कल एक अनाउंसमेंट था ये कंपनी में कि जो टीवीएस कंपनी वो बीएमडब्ल्यू के साथ में मिलके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में और फ्यूचर टेक्नोलॉजी में कंट्री में काम करने वाले हैं। तो ये एक अनाउंसमेंट था उनके सीईओ की तरफ से, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो स्कूटर है वो इजी टू सेल है अभी के लिए और बहुत सारे लोग उसको प्रेफर भी कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो स्कूटर और बाइक रहते हैं वो इंटरसिटी यूज़ के लिए होता है, वो जिसका रेंज में भी लाइक 40-50 किलोमीटर से ज़्यादा होता नहीं है इन अ डे। तो डेफिनेटली ये अच्छा सेगमेंट है जहाँ पे लोग अभी उसको पसंद भी कर रहे हैं और इजी टू इंस्टॉल है और बहुत सारे एडवांस फीचर अभी ये बाइक्स में आ रहे हैं। तो उसके अराउंड ये शेयर में कल अनाउंसमेंट था, तो डेफिनेटली एक बड़ा जंप आया था ये स्टॉक में, यहाँ पे बड़े वॉल्यूम से इसमें जंप आया था यहाँ पे। बट आज ये शेयर अपना जो प्रीवियस हाई था 658 उसके भी नीचे आ गए, काफ़ी वीकनेस हो गया ये स्टॉक में अभी, क्योंकि RSI उसका अभी 37 हो गया है ये स्टॉक में। तो सिंस ये स्टॉक अभी अपना जो 20 डेज का मूविंग एवरेज है उसके नीचे आ गया ये स्टॉक, एंड मुझे लगता है अभी थोड़ा वीकनेस रह सकता है ये स्टॉक में। एक 500 का अराउंड उसने बॉटम बनाया था, 500 के बॉटम बनाने के बाद में 800 का उसने हाई लगाया था, यहाँ पे बहुत सारे लोग पैनिक हो गए थे। मैंने उस टाइम भी वीडियो में बनाया था ये स्टॉक के लिए, सारे लोगों को मैंने इंश्योर किया था कि आपको डरना नहीं है, यहाँ पे आपको होल्ड करना है एटलीस्ट 600 के टारगेट के। बट वहाँ से भी वो स्टॉक आगे चला गया था, उन्होंने अच्छा प्रॉफिट और ग्रोथ दर्ज किया था ये कंपनी ने। बट मुझे इसका फॉल का रीज़न लगता है ये ओला इलेक्ट्रिक का भी, उन्होंने पीछे अनाउंसमेंट किया था उनका 1 लाख से भी ज़्यादा व्हीकल्स का बुकिंग हो गया था इलेक्ट्रिक व्हीकल का, उन्होंने वो डिलीवर भी कर दिया। एक्चुअली ये बहुत ही अच्छी बात है, एक नया कंपनी ये नए सेगमेंट में है, टीवीएस मोटर हो गया, हीरो मोटर हो गया, ये बिजनेस में काफ़ी दिनों से, बट अभी भी वो लोग उसमें ट्राई कर रहे हैं कि क्या करना है कैसे करना है। बहुत ही ज़्यादा वैरायटी और कुछ ऑप्शंस अभी उन लोगों ने निकाले नहीं है, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि एक नया स्टार्टअप है, उन्होंने नया सेटअप कर दिया और अराउंड 400 से ज़्यादा स्कूटर्स उन्होंने डिलीवर भी कर दिया। ये स्कूटर में अच्छे खासे फीचर है, वहाँ पे मोबाइल ऐप है, हील होल्ड है, क्रूज कंट्रोल है, वॉइस कमांड्स है, ब्लूटूथ है, एंड वो यहाँ पे लिखा है कि येट टू बी अनेबल्ड, बट ये सारे एडवांस फीचर है, ये काफ़ी काफ़ी अच्छी बात है ये कंपनी के लिए जिन्होंने एक नए स्पेस में ये अभी पाव रखा है। क्योंकि होता क्या है कि ये जो स्कूटर्स है जो स्टार्टअप है इतना अगर अच्छा फीचर्स देते हैं, क्योंकि हम अगर मोबाइल का एग्जाम्पल लेते हैं तो पहले कीपैड वाले मोबाइल होते थे, बट जिस दिन वो इनोवेशन हो गया, जिस दिन टच स्क्रीन के मोबाइल आ गए तो सारे लोग उसमें शिफ्ट हो गए। तो डेफिनेटली एक कस्टमर का बिहेवियर है इसमें ये शिफ्ट होते हैं। तो यहाँ पे हमको अभी ये वाला जो स्टॉक है इसमें थोड़ा प्रेशर रह सकता है, टीवीएस मोटर हो गया, क्योंकि होता क्या है कि इन लोगों ने अनाउंसमेंट किया है और जो कंपनी नया है उन लोगों ने ऑलरेडी उसमें अपना अच्छा खासा डिलीवरी दिखा दिया है, वो उन्होंने जो बोला था वो करके दिखाया यहाँ पे। तो ओला अभी तो नया कंपनी है, बट ये जो टीवीएस मोटर है ये काफ़ी पुराना है, टीवीएस मोटर होगा, हीरो मोटर का ऑफ हो गया, ये काफ़ी पुराना है यहाँ पे। बट यहाँ पे और एक अच्छी बात है, यहाँ पे ओला ने यहाँ पे लिखा है कि दे आर बिल्डिंग टू व्हीलर्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बिगेस्ट स्कूटर फैक्ट्री इन तमिलनाडु। तो इंडिया का जो नीड है डेफिनेटली ये प्राइसिंग में भी फैक्टर इन हो जाएगा बाद में, क्योंकि अभी तो थोड़ा प्राइस ज़्यादा रहेगा उसमें, बट जैसे जैसे कस्टमर वहाँ पे शिफ्ट होते हैं तो ये बिहेवियर चेंज होता रहता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छी बात है ओला के लिए, और टीवीएस मोटर के लिए नेगेटिव बात है, क्योंकि इतने इस्टेब्लिश प्लेयर होने के बाद में भी उन्होंने उसमें किया नहीं। नोकिया का भी सेम हाल था, उन्होंने जब इनिशियली मोबाइल टच स्क्रीन में शिफ्ट हो गए या एंड्रॉयड में शिफ्ट हो गए, उन्होंने वो शिफ्ट नहीं किया अपना जो भी टेक्नोलॉजी था, बट उसके कारण उनको मार्केट में काफ़ी पनिशमेंट मिला और वो अभी उनको सेल करना पड़ा लास्ट में वो कंपनी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टीवीएस मोटर जैसे बड़ा कंपनी वैसे हो जाएगा, बट ये इनोवेशन रहता है, ये जो स्टार्टअप रहते हैं
हम बोलते हैं कि ये 90% स्टार्टअप फेल हो जाएंगे, यहाँ पे 10% स्टार्टअप ही यहाँ पे चलने वाले हैं, बट जहाँ पे ये 10% में ओला जैसी कंपनी है वो नए नए बिजनेस में, अभी ये वाले बिजनेस में, बट उन्होंने वो करके दिखाया है, डिलीवरी करके दिखाया है, तो उनका सक्सेस रेट अभी ओला के लिए तो अच्छा है। और जिस तरीके का वो प्लान कर रहे हैं गवर्नमेंट्स के साथ मिलके, और वो सेटअप कर रहे हैं फैक्ट्रीज वगैरह, और जिस तरीके का स्कूटर डिलीवर कर रहे हैं, डेफिनेटली ये जो कंपनी है, टीवीएस मोटर हो गया या हीरो मोटर कॉर्प हो गया, इन 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 सारों में ये एक थ्रेट है, ये इस्टेब्लिश प्लेयर, अभी उसमें इतने दिनों से ये थीम चल रहा है, बट ये अनाउंसमेंट करके कुछ होने वाला नहीं है। ये जब तक प्रोडक्शन में ये होता नहीं है तब तक ये डेफिनेटली ये प्रॉब्लम होगा। यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे लिखा है कि वो नए स्टार्टअप्स में भी ये एक्वायर कर रहे हैं, और उनको डेफिनेटली ये बेनिफिशियल है। ये लोग स्टेप तो ले रहे हैं, बट शॉर्ट टर्म में होता क्या है कि जो पहले कर देता है लॉन्च, वो डेफिनेटली उसको ही पहले लोग ये यूज़ करने लगते हैं। ओके, क्योंकि डिमांड रहता है ये सेगमेंट का, डेफिनेटली ये टीवीएस मोटर हो गया, हीरो मोटर हो गया, ये इसमें आएंगे नहीं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट डेफिनेटली उनका जो भी ये इसमें होना चाहिए था, अब तक का जो प्रोग्रेस वो बहुत ही स्लो लग रहा है। यहाँ पे अनाउंसमेंट किए है उसके कारण यहाँ पे जम्प्स वगैरह आ रहे हैं, बट अभी ये शेयर में तो निगेटिव न्यूज़ है, और उतना वॉल्यूम में सेलिंग नहीं हुआ है कल जितना हुआ था यहाँ पे, बट थोड़ा अभी ये स्टॉक क्या है, प्रीवियस हाई ब्रेक कर दिया है और अच्छे खासे वॉल्यूम में सेलिंग हुआ है, तो डेफिनेटली ये थोड़ा निगेटिव हो जाएगा ये स्टॉक के लिए। तो अभी तो मैं इसको इसमें वेट एंड वॉच करूंगा, ये गिरावट में आपको अभी इसमें बाइंग नहीं करनी है। अगर आपको बहुत ही अच्छे लगते फंडामेंटल्स तो बाय ऑन डिप्स कर सकते हो, क्योंकि ये अच्छा स्टॉक है इसके लिए, बट मुझे लगता है ये उसका जो हाई के नीचे आ गए ये स्टॉक, तो थोड़ा वीकनेस रहेगा ये स्टॉक में। अभी तो कुछ बाइंग नहीं मेरा, डेफिनेटली मैं करेक्शन के लिए वेट करूंगा, ऑल टाइम हाई में तो बिलीव नहीं करता ये स्टॉक में। तो ये था हीरो, सॉरी टीवीएस मोटर कंपनी, और दूसरा अपना कंपनी है हीरो मोटर। हीरो मोटर यहाँ पे अपना एक सपोर्ट था, यहाँ पे 2600 का एक लेवल था, वो सपोर्ट उसने ब्रेक कर दिया। मैंने ये स्टॉक का वीडियो बनाया, आप चेकआउट कर सकते हो कि इसमें क्यों वीकनेस बनी रह सकती है। ये सपोर्ट उसने चेक ब्रेक कर दिया यहाँ पे, और उसके नीचे ये स्टॉक आ गया अराउंड, ये 2400 के अराउंड ये स्टॉक आ गया था, और उसी के अराउंड ये स्टॉक अभी थोड़ा घूम रहा है। यहाँ पे 20 डेज और 200 डेज मूविंग एवरेज दोनों के नीचे रहे, नीचे ये स्टॉक, और वीकनेस है स्टॉक में। आज भी उसमें 1% के अराउंड गिरावट, इतना बड़ा कंपनी में 1% की गिरावट तो अच्छी खासी गिरावट होती है। तो उसके भी सेम रीजंस है कि जो नए स्टार्टअप है वो इसमें प्रोग्रेस कर रहे। हीरो मोटर कॉर्प से तो मैंने कुछ सुना नहीं है, वो लोग का कुछ न्यूज़ था बीच में कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ लॉन्च कर रहे हैं, बट यहाँ पे तो कुछ ऐसा अपडेट मिला नहीं मुझे। तो डेफिनेटली उनको भी ये इसमें अगर अनाउंसमेंट आएगा तो ये कंपनी का शेयर अच्छा करेगा लॉन्ग टर्म में। अच्छा कंपनी है, यहाँ पे 11% ही शेयर्स वीकेंड्स में यहाँ पे, बट यहाँ पे हम देखते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने अराउंड 3% स्टेक कम किया है यहाँ पे, तो एक थोड़ी सी नेगेटिव बात है ये स्टॉक में लिए। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन ने यहाँ पे 2% से बढ़ाया है यहाँ पे स्टेक, तो लोकल इंस्टीट्यूशन इसमें स्टेक बढ़ाया है, और पब्लिक ने 1% से बढ़ाया है। तो ये जो स्टेक उन्होंने 3% से कम किया, 1% पब्लिक ने उठाया, 2% उन्होंने लाइक डीआई ने उठाया, तो डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत ही अंडर परफॉर्म किया है ये वाले स्टॉक ने। अच्छा कंपनी होने के बाद में, इतने अच्छा सेल्स और अच्छा ब्रांड वैल्यू होने के बाद में कुछ भी परफॉर्म नहीं किया ये स्टॉक ने, तो थोड़ा निगेटिविटी है स्टॉक में, बट मुझे लगता है ये लॉन्ग टर्म का स्टोरी हो सकता है। शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली इसमें पेन है, क्योंकि प्राइस में भी रहा है, और इसका जो जो सपोर्ट थे वो सारे ब्रेक कर दिए स्टॉक ने अराउंड ऑल टाइम हाई से, तो काफ़ी ये गिर गया। ऑल टाइम हाई उसका 4000 के अराउंड है, 4000 से ये स्टॉक था अराउंड 30-40% गिर गया है, तो एक लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी, इतनी बड़ी कंपनी 40% गिर गई है, तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म के लिए हो सकता है। मैं तो अभी सजेस्ट करूंगा ये लॉन्ग टर्म का ही स्टोरी है, यहाँ पे शॉर्ट टर्म में तो कुछ आपको ऐसा इमीडिएटली गेन नहीं, बाउंस आएंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम अगर देखते हैं ना तो ये बाउंस होते हैं स्टॉक्स में, बाउंस होते हैं, तो जैसे मार्केट मूव होता है वहाँ से बाउंस होते हैं, बट ये ऑल टाइम हाई जाएगा, इसमें बहुत वॉल्यूम के साथ बाइंग आएगा वो तो मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे, बट डेफिनेटली कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स होते हैं रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या कुछ पार्टनरशिप्स वगैरह, तो ये स्टॉक में भी अच्छा खासा जंप आ सकता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहेगा, पसंद आया तो ये चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।